Hello student, welcome back my channel. In this video we will do unit 2nd from your Gulmohar book class 5th. So let's begin. And the unit name is Alvin Story. So let's begin. A writer of this story is Catherine Applegate. She is an American writer and she is a fantastic writer, interested stories and novels also. So let's begin. Alvin is a gorilla who lived in a cage at a mall. He spent 27 years either living in a human home or at the mall. The story told by Alvin is about he has nearly forgotten his life in the wild. The book was inspired by the true story of Alvin, who lived in a similar situation for 27 years. तो इसमें एक गोरिल्ला है जिसका नाम है एल्विन, जो कि एक केज में या फिर एक मॉल में रहता है, और उसने अपने 27 इयर्स ह्यूमन के साथ घर में बिताए हैं या फिर उसने मॉल में बिताए हैं. द स्टोरी टोल्ड अबाउट एल्विन इज अबाउट हाउ ही हैज़ नियरली फॉरगॉटन हिज लाइफ. ये स्टोरी एल्विन की है जो कि वो खुद बता रहा है कि वो अपने लाइफ के बारे में भूल गया है, अपनी वाइल्ड लाइफ के बारे में वो भूल चुका है गोरिल्ला. The book was inspired by the true story of Alvin. ये जो book है जो लिखी गई है ये बिल्कुल Alvin के ऊपर ही लिखी है, और ये बहुत सच्ची कहानी है. Who lived in a similar situation for 20 उसने 27 ईयर कैसे बिताए हैं उसके बारे में ही हमें इसमें बताया गया. The grant, grant मतलब होता है जो grant मतलब जो गोरिल्ला आवाज़ निकालते हैं उसे बोलते हैं a short low sound, जो आवाज़ निकालते हैं उसे ग्रंट बोलते हैं. आई वॉज बॉर्न इन अ प्लेस वूमन कॉल्ड सेंट्रल अफ्रीका. गोरिल्ला कह रहा है मेरा जो बर्थ है जन्म है वो सेंट्रल अफ्रीका में हुआ. इन अ डेंस रेन फॉरेस्ट सो ब्यूटिफुल नो क्रेयॉन कुड एवर डू इट जस्टिस. डेंस मतलब होता है घना. वो जो सेंट्रल अफ्रीका में जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ पर जो जंगल था वो इतना घना था कि आप उसमें कितना भी पेंट कर लो या कितनी भी उसकी अच्छी ड्राइंग बना लो, लेकिन आप उसके जैसी ड्राइंग जैसा वो रियल में दिखता था वैसा आप नहीं बना सकते. गोरिल्ला डू नॉट नेम देयर न्यू बॉर्न राइट अवे द वे ह्यूमन डू. वी गेट टू नो आर बेबीज फर्स्ट, वी वेट टू सी हिंट ऑफ वेट माइट येट वी. गोरिल्ला के जो मम्मी पापा हैं जब उनका जन्म होता है बच्चे का तो वो बच्चे का नाम उसकी एक्टिविटीज़ देखकर उसका नाम रखते हैं. वैन दे सो हाउ मच शी लव टू चेस मी अराउंड द फॉरेस्ट माई पेरेंट डिसाइडेड ऑन माई ट्विन सिस्टर नेम टैग. जो गोरिल्ला था उसकी एक ट्विन सिस्टर थी जिसका नाम था टैग, जो कि उसको बहुत प्यार करती थी और हमेशा उसका पीछा करती रहती थी, उसके पीछे चलती रहती थी, उसके चारों तरफ ही घूमती रहती थी गोरिल्ला के. ये सब चीज़ें एल्विन गोरिल्ला हमें बता रहा है. ओ हाउ आई लव टू प्ले टैग विद माय सिस्टर. और मुझे भी अपनी बहन के साथ टैग गेम, एक गेम होता है इनका जिसको खेलना हम पसंद है, जैसे अपने आप पकड़म पकड़ाई खेलते हैं उसे गोरिल्ला टैग गेम कहते हैं. तो उसे वो उन्हें वो गेम अच्छा लगता था. शी वॉज लिम्बिन बट वेन आई गॉट टू क्लोज शी वुड लीव ऑन टू माई अनसस्पेक्टेड फादर. तो जो मेरे फादर थे हम क्या जब उनके ऊपर बैठ के उनके जो वो थे क्या कहते थे निम्बल मीन्स होता है एबल टू मूव क्विकली एंड ईजीली. हम उनके ऊपर बैठ करके दोनों जब तक खेलते रहते थे. देन आई वुड ज्वाइन हर एंड वैन वी bounce on his belly until he gave us grunt a sound that mean enough. हम दोनों मतलब जो एल्विन गोरिल्ला और जो उसकी सिस्टर टैग थी
वो दोनों अपने फादर की बैली पे बैठकर जब तक खेलते रहते थे जब तक कि उसके फादर जो है इरिटेट होकर इनफ नहीं बोल देते। जब इंसान थक जाता है तो बोल देता है ना इनफ। दैट गेम नेवर गॉट ओल्ड, ये गेम कभी भी पुराना नहीं होता। ऑल्दो माई फादर माइट हैव डिसएग्रीड, तो जो वो उनके फादर थे, अगर आप उनके पेट पे ज़्यादा देर कूदोगे तो ऑब्वियस ये बात है वो नाराज़ तो होंगे, तो वो नाराज़ हो जाते थे। मड, अब आप आगे बात करते हैं मड। आई डोंट टेक लॉन्ग फॉर माई पेरेंट्स टू फाइंड माई नेम, मेरे पेरेंट्स को एलविन बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स को मेरा नाम ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। ऑल डे लॉन्ग एवरी डे I mud picture I drew on rock and bark and my poor mother back। मुझे drawing करना बहुत पसंद था, मैं पत्थरों के ऊपर drawing करता था, या bark मतलब होता है पेड़ों की छाल, उस पर drawing बनाता था, या फिर अपनी mother की back पीठ पर drawings बनाता था। I used the sap from leaves, I used the juice from fruit, but mostly I used mud। मैं जो पेड़ों की जो पत्तियों से जो जूस निकलता है उससे ड्राइंग बनाता था, या फिर जो फ्रूट से जूस निकलता था उससे ड्राइंग बनाता था, लेकिन बट मोस्टली ज़्यादातर मैं मड का यूज़ करता था अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए। एंड दैट इज़ व्हाट दे कॉल्ड मी मड, इसलिए उन्होंने मेरा नाम मड रख दिया। टू अ ह्यूमन मड नॉट साउंड लाइक मच, बट टू मी इट वॉज एवरीथिंग। ये ह्यूमन के लिए जो मड नाम है कोई नया नहीं था, लेकिन मेरे लिए क्या ये नाम ठीक नहीं था, मतलब ठीक था जो भी, मतलब मुझे पसंद नहीं था। आगे देखते हैं चैप्टर में क्या होता है, टर्न द नेक्स्ट पेज। नाउ नेक्स्ट पेज प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर कौन है कैसे है वो हम देखते हैं। माय फैमिली विच ह्यूमंस कॉल अ ट्रूप, मेरी फैमिली को ट्रूप कहा जाता था। ट्रूप मतलब होता है जो आर्मीज़ का ग्रुप होता है उसे ट्रूप कहते हैं। वॉज जस्ट लाइक एनी अदर गोरिल्ला फैमिली, दूसरी गोरिल्ला फैमिली से अलग मेरी फैमिली को ट्रूप कहा जाता था। देयर वर 10 ऑफ अस, माय फादर द सिल्वर बैक माय मदर एंड 3 अदर एडल्ट फीमेल अ यंग मेल कॉल्ड ब्लैक बैक। तो मेरी फैमिली में 10 मेंबर्स थे। अब 10 मेंबर्स कौन थे कि एक तो मेरे फादर जिनका बैग जो था वो सिल्वर कलर का था, एंड माय मदर मेरी मदर, और उसके अलावा 3 अदर एडल्ट फीमेल, 3 बड़ी एडल्ट फीमेल और अ यंग मेल एक बड़ा मेल, और इसके अलावा कॉल्ड ब्लैक बैक, उसको जो एक बड़ा मेल था उसको क्या कहा जाता था ब्लैक बैक। एंड 2 अदर यंग गोरिल्ला, उसके अलावा 2 यंग गोरिल्ला और थे, एक जिनको मेल जिनको ब्लैक बैक कहा जाता था, 3 एडल्ट, उसके अलावा एक उनकी मदर ये फीमेल थे। एंड टैग एंड आई, तो एक उनकी मदर हो गई, एक फादर हो गए, 3 मेल यंग मैन और 3 फीमेल यंग वोमैन, है ना, 3 एक तो मदर फादर गोरिल्ला और 3 यंग एडल्ट मेल और 3 यंग एडल्ट फीमेल, और इसके अलावा 2 एल्विन और टैग उसकी सिस्टर, यानी कि 10 मेंबर्स, ठीक है। फिर उसके अलावा वी फॉट फॉर टाइम, और टैग एंड आई वर बेबीज ऑफ द ग्रुप, और उसके अलावा टैग और मैं उस ग्रुप के 2 बच्चे थे इस ग्रुप में। वी फॉट From time to time, but my father knew how to control us a simple scroll. Scroll मतलब होता है गुस्से से देखना। जब मैं और मेरी सिस्टर खेल रहे होते थे, मस्ती कर रहे होते थे, तो जब उनको गुस्सा आता था, उन्हें हमें रोकना होता था, तो वो हमें गुस्से में देखते थे। And for the most part, we were happy to do what we were mean to do, to feed and search for food and nap and play. हम लोग बहुत खुश थे, और जो मेरे पेरेंट्स थे वो जानते थे कि कब हमारे लिए भोजन लेकर आना है और कब हमें खेलना है, नैप कब उन्हें हमें सुला देना है। माय फादर वाज अ मास्टर एट लीडिंग अस टू डू द रैपेस्ट फूड फॉर अदर
मॉर्निंग फीस्ट एंड द फाइनेस्ट ब्रांच फॉर आर नाइट नेस्ट। तो मेरे जो फादर थे वो इतने एक्सपर्ट थे कि पका हुआ फल हमारे लिए वो सुबह सुबह ढूंढ के लाते थे, जिससे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर सकें, और इसके अलावा रात को सोने के लिए हमारे लिए अच्छी अच्छी ब्रांच लेकर आते थे, जिस पे हम फ्रूट्स लेकर आते थे हमारे ब्रेकफास्ट के लिए, और ब्रांचेस लेकर आते थे पेड़ों की डालियाँ हमारे सोने के लिए, जिस पे हम अच्छी तरह सो सकें। ही वॉज एवरी थिंग अ सिल्वर बैग इज मीन टू बी अ गाइड अ टीचर अ प्रोटेक्ट। वो पक्का हमारी सिल्वर बैग की तरह से थे। सिल्वर बैग मतलब एज अ गाइडेंस, एज अ टीचर, एज अ प्रोटेक्टर। अब आगे देखते हैं, अ परफेक्ट लाइफ। गोरिल्ला बेबीज, एलिफेंट बेबीज एंड ह्यूमन बेबीज आर नॉट सो डिफरेंट। एस्पेक्ट दैट गोरिल्ला गेट टू स्पेंड द डे राइडिंग ऑन हिज मदर बैक। जो एलिफेंट का बेबी होता है या ह्यूमन का बेबी होता है या गोरिल्ला का बेबी, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जो गोरिल्ला का बेबी होता है वो ज़्यादातर दिन अपना अपनी मदर की बैक के ऊपर, मतलब अपनी मदर की पीछे पीछे या मदर की बैक के ऊपर बिताता है। स्लोली क्लियरफुली अ यंग गोरिल्ला बिगिन टू गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ हिज मदर आर्म। Slowly, carefully, a young gorilla began to go further and further away from the safety of his mother's arm. धीरे धीरे ध्यान से गोरिल्ला अपनी मदर के बैग से उतरने लगता है और धीरे धीरे वो चीज़ें सीखने लगता है। He learn skill he will need as an adult. धीरे धीरे वो बड़े जो होते हैं वो कैसे करते हैं वो धीरे धीरे सीखने लगता है। How to make a nest of branch. वो अपना नेस्ट ब्रांच से अपना नेस्ट कैसे बनाएगा। वेव मतलब होता है घना, वो टाइटली, देम टाइटली, और दे विल फॉल अपार्ट इन द मिडिल एट द नाइट। वो मतलब कितनी अच्छी तरह अपना जो नेस्ट है वो बनाएगा, जिससे कि वो रात को गिरे ना। हाउ टू बीट योर चेस्ट। और गोरिल्ला जो है क्या है, अपने चेस्ट पे मारते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी चेस्ट पे उन्हें मारना है वो ये चीज़ें सीखता है। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट। कप योर पाम एंड एम्प्लीफाई द साउंड। एम्प्लीफाई मतलब होता है मेक लाउडर, किस तरीके से उसको लाउडर साउंड करना है। हाउ टू मूव फ्रॉम ट्री टू ट्री, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वो कैसे जाएगा। हाउ टू बी काइंड स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल एज अ यंग गोरिल्ला। यू मेक मिस्टेक, यू प्ले एंड यू लर्न। किस तरीके से उसको मजबूत बनना है, लॉयल बनना है, और गलतियों से सीखना है, किस तरीके से वो खेलना है, तो धीरे धीरे वो सीखता है। यू डू इट ऑल ओवर अगेन। इट वॉज फॉर अ वाइल अ परफेक्ट। ये हमारी एकदम परफेक्ट लाइफ थी। मतलब अब वो एल्विन जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हम जब छोटे से बड़े होते हैं तो हम पेड़ पे चढ़ना सीखते हैं, स्ट्रॉन्ग होना सीखते हैं, और किस तरह से हमें मूव करना चाहिए, किस तरह से अपना नेस्ट बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं, हम लॉयल होना सीखते हैं। तो इसी तरह हम गलतियाँ करते करते हम खेलते खेलते सीखते हैं चीज़ें। दी एंड। वन डे अ स्टिल डे व्हेन द हॉट एयर हुमिड द हुमिस केम। एक दिन क्या हुआ कि हम खेल रहे थे और गर्म हवा चल रही थी, कुछ हुमंस वहाँ आए। वाइन। आफ्टर दे कैप्चर माई सिस्टर एंड मी दे पुट अस इन अ क्रैम्प्ड एंड डार्क गेट। क्रैम्प्ड मीन्स होता है स्मॉल एंड क्राउडेड विद नॉट मच रूम टू मूव। तो क्रैम्प्ड मतलब होता है एक ऐसा छोटा सा चीज़ जिसमें आप ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हो। क्रेट अ लार्ज वुडन कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्टिंग समथिंग। कोई चीज़ ले जाने के लिए एक वुडन बॉक्स होता है जिससे आप एक चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप ले जा सकते हो। ट्रांसपोर्टिंग मीन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस थिंग्स टू मूव। Somehow I knew that in order to live I had to let my old life die.
कुछ समय बाद हम वहाँ रहने लगे और जानने लगे उनकी लाइफ, लेकिन पुरानी लाइफ मैं भूल चुका था। बट माई सिस्टर कुड नॉट लेट गो ऑफ इट, शी कीप थिंकिंग अबाउट आवर होम ऑल द टाइम टिल शी फील वेरी सिक। मैं तो अपनी पुरानी लाइफ भूल चुका था, लेकिन जो मेरी सिस्टर थी वो पुरानी लाइफ को नहीं भूल पा रही थी और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। द टेम्प्रेरी वूमन, आगे एल्विन हियर कह रहे हैं साथ में कि मैं ये चीज़ भी समझ चुका था कि अगर हम पुरानी चीज़ों को याद करते रहेंगे तो हम आगे लाइफ में मूव नहीं कर पाएंगे। इट वॉज मैक हु ओपन द क्रेट, मैक हु टुक मी एंड मैक हु रेज मी लाइक अ ह्यूमन बेबी। मैक जो कि उनकी वाइफ थी, वो उन्होंने उस क्रेट यानी उस वुडन बॉक्स को ओपन किया और मुझे बाहर निकाला और बिल्कुल ह्यूमन, एक ह्यूमन के बच्चे की तरह उन्होंने मुझे उठाया। आई ड्रैंक फ्रॉम अ बोतल, मैं बोतल से पीता था, चाहे वो पानी हो, जूस हो, एनीथिंग एल्स। आई स्लीप्ड इन ह्यूमन बेड, और मैं बेड पर सोता था। सेट ऑन ह्यूमन चेयर, ह्यूमंस की जैसे चेयर पर बैठता था। लिसन वाइल ह्यूमन साउंड स्वार्म्ड अराउंड मी लाइक एंगर बी, जो भी मेरे चारों तरफ बातचीत होती थी वो सब मैं सुनता था, चाहे वो जोर से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, वो सब मुझे सुनाई देता था। मैक वाइफ हेलन वॉज क्विक टू लाफ, क्विक टू एंगर टू, स्पेशली वाइल आई ब्रोक समथिंग विच वॉज ऑफन। मैक की जो वाइफ थी हेलन, वो क्या करती थी, बहुत जल्दी हंसती थी और बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाती थी, बहुत जल्दी खुश होती थी और बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाती थी जब मैं कोई चीज़ तोड़ देता था। आई ब्रोक द ब्लेंडर, आई स्नीज 3 ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट एंड बोटल ऑफ ग्लू ऑन इट। आई ब्रोक द ब्लेंडर व्हेन आई स्क्वीज 3 ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट एंड अ बोटल ऑफ ग्लू ऑन इट। मैंने क्या किया कि एक जो ब्लेंडर मतलब होता है, इसको किचन में यूज़ किया जाता है कोई भी अनियन या कैरेट या वेजिटेबल्स को ग्राइंड करने के लिए, तो उसके अंदर मैंने 3 टूथपेस्ट और एक ग्लू की बोतल डाल दी, जिससे क्या हुआ कि वो जो ब्लेंडर था ख़राब हो गया। आई ब्रोक माई टोज अटेम्पिंग टू स्विंग फ्रॉम अ लैम्प फिक्सर ऑन द सीलिंग, और मेरे को जैसे कि वो गोरिल्ला था तो उसको एक ट्री से दूसरे ट्री पर जाने की आदत थी, तो उसने क्या किया कि वो एक लैम्प से सीलिंग फिर पर जाने लगा, तो उससे वो क्या हुआ, लैम्प टूट गया। आई ब्रोक 46 ग्लास, मैंने 46 ग्लास तोड़ दिए। वेल इट टर्न आउट देयर आर मैनी वेज टू ब्रेक अ ग्लास, लेकिन मैंने इससे ये भी सीखा कि और भी तरीके होते हैं ग्लास तोड़ने के। एवरी वीकेंड मैक एंड हेलन ड्रोव मी अ रेस्टोरेंट, हर वीकेंड में मैक और हेलन मुझे रेस्टोरेंट में लेके जाते। वेयर दे ऑर्डर्ड समथिंग फॉर मी, और वहाँ मेरे लिए कुछ ऑर्डर करते। आई वेंट टू बेसबॉल गेम, मैं बेसबॉल गेम खेलने जाता। टू द ग्रॉसरी स्टोर जहाँ पर अलग अलग तरह की सब्जियाँ, मेडिसिन और फ्रूट वेजिटेबल्स मिलते हैं, वहाँ जाता। टू अ मूवी थिएटर, और मूवी देखने भी जाता। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट, इवन टू अ सर्कस भी लेकर जाते वो मुझे। दे डिड नॉट हैव अ गोरिल्ला, लेकिन वहाँ पर सर्कस में गोरिल्ला नहीं होता था। आई रोड अ लिटिल मोटर बाइक एंड ब्लू आउट कैंडल ऑन अ बर्थडे, और मैंने मेरे बर्थडे पर एक मोटरसाइकिल भी चलाई, मोटर बाइक, और कैंडल्स को ब्लो भी किया। माई लाइफ एज अ वूमन वॉज एन एक्साइटेड वन, ऑल्सो माई पेरेंट्स वुड नॉट हैव अप्रूव्ड। मेरी लाइफ जो थी वूमन्स के साथ बहुत एक्साइटिंग हो गई थी, बट जो मेरे पेरेंट्स थे वो इसको अप्रूव्ड नहीं करते। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि गोरिल्ला क्या एक एनिमल था, तो वो अगर अपनी फैमिली के साथ रहता तो वो ये सब चीज़ें नहीं करता। हंगर, यहाँ पर हंगर का मीनिंग गुस्से से नहीं है, दूसरा मीनिंग है क्या है वो हम देखते हैं। इन माई न्यू लाइफ एज अ वूमन, मेरी जो ये नई लाइफ थी जो कि वूमन की तरह थी, आई वॉज वेल टेकन केयर ऑफ, मेरा बहुत ध्यान रखा जाता था। येट एट नाइट लेइंग अलोन माई पजामा आई लॉक्ड फॉर द चेयरफुल ग्रांड फॉर
of a play fight and easy safety of my near drop. Yes, in my new life, वो अपनी नई लाइफ में खुश था, लेकिन क्या होता कि जब वो रात को अपना लेटने जाता, अपने रूम में जाता, तो उसको अपने ट्रूप यानी अपने ग्रुप की, अपनी फैमिली की उसको याद आती. रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू टैग, आई टोल्ड माई सेल्फ डोंट थिंक अबाउट द जंगल. फिर वो लेकिन वापस अपने आप उसको याद आता कि टैग के साथ क्या हुआ था, क्योंकि जब वो फैमिली को याद करती थी तो वो बीमार हो गई थी, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी. तो इसलिए उसने मर्ड ने सोचा कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना है. स्टिल समथिंग सम टाइम आई ले अवेक विशिंग फॉर द वार्थ वार्थ ऑफ अनदर जस्ट लाइक मी. तो अब वो यही सोचने लगा कि मैं यहाँ पर खुश हूँ और मुझे यहीं पे रहना चाहिए, और वो उनके जैसे रहना सीख भी चुका था काफ़ी हद तक. लेटर इवान इज सेंट टू अ शॉपिंग मॉल वेयर ही बिकम अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी सर्कल फॉर मैनी मैनी ईयर्स. हियर ही बिकम यूज टू हुमन वॉचिंग हिम ऑल द टाइम एंड ही हार्डली एवर थिंक ऑफ द जंगल. अब जो मर्द था, अब यहाँ पर इसको क्या एक शॉपिंग मॉल में छोड़ दिया गया, वहाँ पर उसको एक स्टेशनरी एक केज में रखा गया और जो भी लोग आते वहाँ उसको देखते. लेकिन अब क्या हुआ कि जो गोरिल्ला की लाइफ थी वहीं पर रुक सी गई, मर्द की जो लाइफ थी वहाँ पर रुक सी गई. वो भी देखता कि दिन भर उसको लोग देखने आते हैं. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर पीपल बिगिन टू प्रोटेस्ट अबाउट इवान लिविंग कंडीशन एट द मॉल ही इज़ अडोप्टेड बाय अ जू. अब प्रोटेस्ट मतलब होता है उसके खिलाफ या उसके लिए. जो इवान था मर्द था उसके लिए कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और फिर उसको, क्योंकि उसको केज में कैद कर रखा था, वो वहाँ अपनी वाइल्ड लाइफ तो जी ही नहीं पा रहा था, तो उसको वहाँ से जू से अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब जू में उसको भेज दिया गया. टू नो मोर अबाउट इवान व्हाट हैपेंड टू हिम रीड द कंप्लीट नोवेल. अब आगे इवान के साथ क्या हुआ इसके बारे में जानने के लिए आप इस नोवेल को पढ़ सकते हैं, इवान की नोवेल जिसका नाम है अडॉप्टेड फ्रॉम द वन एंड ओनली इवान. इस नोवेल को आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपकी कैथरीन एप्पलगेट ने लिखी है. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया. आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा. थैंक यू.